हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 दिया क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी के मासिक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो प्राप्तांक 4 यानी प्राप्तांक 4 दिए गए आंकड़ों का, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए लिखा हुआ है माध्यम माध्यिका है, ऑप्शन बी लिखा है माध्य है माध्यिका नहीं है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है माध्यिका है माध्य नहीं है, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है बहुलक है। तो फ्रेंड्स, जो हमें यहाँ पे प्राप्तांक दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स अब इनका हम माध्य निकाल लेते हैं और माध्यिका निकाल लेते हैं और पता कर लेते हैं कि यह माध्य है कि माध्यिका है या बहुलक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंकड़े क्या दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनका माध्य निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, माध्य हमारा क्या होता है, माध्य बराबर हमारा होता है, तो फ्रेंड जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको हम लिख लेंगे 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, और कितने पद है हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, तो फ्रेंड्स उतने से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 2, 3, 4, 5, 6 को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 20 आएगा, और हमने डिवाइड कितने से किया है, 5 से डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स हमारा माध्य क्या आ गया, माध्य हमारा 4 आ गया। सो फ्रेंड्स प्राप्त अंक 4, तो फ्रेंड्स हमारा माध्य तो निकल गया, तो फ्रेंड्स अब हमें माध्यिका भी निकाल के देखनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है माध्य माध्यिका दोनों है, तो फ्रेंड्स माध्यिका भी हमें निकाल कर देखना होगा कि माध्यिका क्या निकलेगी। तो फ्रेंड्स आंकड़े हमारे 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो फ्रेंड्स ये तो व्यवस्थित है, इन्हें हमें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम माध्यिका निकालते हैं। तो फ्रेंड्स पद हमारे कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो फ्रेंड्स हम काउंट कर लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो फ्रेंड्स n बराबर हमारा कितना है, n बराबर 5 है, यानी पदों की संख्या जो हमारी है वो विषम है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी पदों की संख्या विषम है, तो फ्रेंड्स पदों की संख्या विषम होती तो हम माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम माध्यिका बराबर क्या लगाते हैं, माध्यिका बराबर n+1/2। फ्रेंड्स ये कंडीशन तब फॉलो होती है जब पदों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पदों की संख्या हमारी क्या है, विषम है, तो फ्रेंड्स माध्यिका बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n+1/2। तो फ्रेंड्स n की वैल्यू हमारी क्या है, n बराबर 5 है, तो हमने 5 रख दिया और प्लस 1/2, ये तो फॉर्मूले में ही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 5+1 कितना होता है हमारा, 6, और बाई 2 हो गया। तो फ्रेंड्स जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, यानी जो हमारा तीसरा पद होगा वो हमारी माध्यिका होगी, जो हमारा तीसरा पद होगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तीसरा पद क्या है, तीसरा पद हमारा है, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, तो फ्रेंड्स तीसरा पद हमारा क्या है, 4 है। तो फ्रेंड्स हमारी माध्यिका भी जो है हमारी 4 है। तो फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पे पूछा हुआ था कि प्राप्तांक 4 दिए गए अंकों का क्या है, तो फ्रेंड्स प्राप्तांक 4 दिए गए अंकों का माध्य भी है, क्योंकि फ्रेंड्स माध्य भी हमारा 4 आया था, और हमारी माध्यिका भी है, क्योंकि फ्रेंड्स माध्यिका भी हमारी क्या आई है, माध्यिका हमारी आई है 4। तो फ्रेंड्स अतः प्राप्तांक हमारा माध्य और माध्यिका दोनों है। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं माध्य और माध्यिका कहाँ पर लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्राप्तांक है वो हमारा माध्य और माध्यिका दोनों है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे माध्य और माध्यिका निकाल के देखना था। और फ्रेंड्स जो हमारा माध्य और माध्यिका दोनों का मान कितना निकला है, दोनों का मान हमारा 4 निकला है। तो फ्रेंड्स प्राप्तांक 4 हमारा क्या हो गया, माध्य और माध्यिका दोनों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माध्य और माध्यिका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुलक पूछा हुआ है, तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको देखना रहता है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है ये 3 बार आया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 9 दिया हुआ है ये 8 बार रिपीट हुआ है, और जो 10 दिया है ये 12 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और 11 हमारा 9 बार हुआ है, 12 हमारा 5 बार हुआ है, और 13 हमारा 4 बार हुआ, यानी 4 बार। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी संख्या हुई है, तो फ्रेंड्स जो हमारा 10 यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा 12 बार आया हुआ है, यानी 12 बार आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यही हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 10 हमारा कितनी बार आया है, 12 बार आया है, यानी 12 बार आया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10।
तो फ्रेंड्स इस आवृत्ति वितरण का बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा हमारा 10, यानी इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं होता, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होती है वही हमारा आंसर हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है और इसका माध्य पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही ईजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ग हमारा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 14 और 14 से 15 तक, और आवृत्ति मतलब हमारी बारंबारता हो गई, बारंबारता 2, 8, 30, 12, 3 दी हुई है। तो फ्रेंड्स हम कैसे इसका माध्य निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका हमें माध्य निकालना है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा वर्ग दिया हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लेंगे। वैसे वर्ग को हमने नोट कर लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, तो वर्ग को हमने नोट कर लिया। और फ्रेंड्स हमारी बारंबारता क्या दी हुई थी, बारंबारता दी हुई थी 2, 8, 30, 12 और 3, ये हमारी बारंबारता हो गई। लेकिन फ्रेंड्स हमें माध्यिका निकालने के लिए हमें माध्यमान भी निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स माध्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माध्यमान को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो माध्यमान क्या होता है, तो फ्रेंड्स माध्यमान ये जो हमारा वर्ग दिया हुआ है 0 से 10 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स 0 से 10 के बीच में कौन सी संख्या मिडिल में आती है, कौन सी संख्या हमारी बीच में आती है, तो फ्रेंड्स 0 से 10 के बीच में हमारा क्या बीच में आता है, ये आता है 5 आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे माध्यमान में 0 से 10 के बीच में क्या लिख लिया, माध्यमान हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लिखा हुआ है 10 से 20, तो फ्रेंड्स जो हमारी 10 से 20 होती है इसमें बीच में हमारी कौन सी संख्या आती है, बीच में हमारी आती है 15 आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने इसका माध्यमान क्या लिख लिया, 15 लिख लिया। वैसे हमारा 20 से 30 के बीच में मिडिल में कौन सी संख्या आती है, मिडिल में आती है 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिख लिया। 30 से 40 के बीच में मिडिल में कौन सी संख्या आती है, ये आती है 35, तो हमने यहाँ पे 35 लिख लिया। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, 40 से 50, तो फ्रेंड्स 40 से 50 के बीच में हमारे मिडिल में कौन सी संख्या आती है, बीच में कौन सी संख्या आती है, वो आती है 45, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 45। तो फ्रेंड्स जब भी हम माध्य निकालेंगे तो उसके लिए हमें माध्यमान निकालना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो माध्यमान तो हमारा निकल गया, आप आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा कि माध्यमान कैसे निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माध्यमान हमारा निकल गया, तो फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना, अब हमें एफ इंटू एक्स की वैल्यू को निकालना है। एफ इंटू एक्स, एफ हमारी क्या है, एफ हमारी बारंबारता है, एक्स हमारा माध्यमान हो गया। तो फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई हमें करवा देनी होगी, जितनी संख्या है सबकी हमें मल्टीप्लाई करवा देनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई 8 में होगी 120 आ जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई 30 में होगी हमारा कितना आ जाएगा, 750 यानी 750। और 35 की मल्टीप्लाई 12 में होगी यानी 12 में होगी तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। और 45 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 3 में होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 135 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम जो बारंबारता हमारी दी हुई है, एफ दिया हुआ है, इसको हम ऐड कर लेंगे सबको, 2 + 8 + 30 + 12 + 3, इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने पर हमारा कितना आ गया, 55 आ गया। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एफ लिखा हुआ है, सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 55 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जो ये हमारा एफ इंटू एक्स की वैल्यू निकली है इसको भी हमें ऐड कर लेना है, 10 + 120, 750, 420 एंड 135, इन सबको ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करने पर हमारा आएगा 1435 यानी 1435 आ गया इन सबको ऐड करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स समांतर माध्य हमारा होता है सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन सिग्मा ई एफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये निकला हुआ 1435, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है सिग्मा ई एफ एक्स की। तो फ्रेंड्स सिग्मा ई एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1435, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 55। तो फ्रेंड्स 55 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फॉर्मूले में लिखा हुआ है सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ठीक है फ्रेंड्स इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये किससे कटेगा, सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5 5 1 5 11 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 2 10 हो गया, 4 उधर जाएगा, 5 8 14 हो जाएगा, 5 8 14 5 8 4 उधर चला जाएगा, 5 14 3 3 उधर बचेगा, और कितना हो जाएगा, 35, 5 7
35 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 287 बाई 11 हमारा आ गया, 287 बाई 11 आ गया। तो फ्रेंड्स जब हम 287 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 26.09 के करीब हमारा आएगा। कितना आएगा, 26.09। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 26.09 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यानी 26.09 लगभग आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स माध्य निकालना बहुत ही इजी है, मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड बताया, इससे आसान मेथड माध्य निकालने का कोई नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप, अगर आपके पास बुक होगी तो बुक में आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही लेंथी मेथड से सॉल्व करवाया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस माध्यम से बहुत ही इजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बुक के मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। आप इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या आया था, करेक्ट आंसर आया था 26.09, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें ऑप्शन में कहाँ दिया होता, ये ऑप्शन में दिया होता ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है ये आपसे इस बार पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स आप माध्य निकालना सीख लीजिए, माध्य का फॉर्मूला मैंने आपको नीचे बता भी दिया था, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन सिग्मा ई एफ। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप बहुत ईजी वे पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कक्षा के 15 छात्र क्लास टेस्ट में नीचे दिए गए अंक प्राप्त करते हैं, जहां संपूर्ण अंक योग कितना है, 15 है यानी 50 है, ठीक है फ्रेंड्स, 50 है 50 है। तो फ्रेंड्स यहां पे प्राप्तांक कितने दिए, प्राप्तांक दिए हैं 20, 24, 27, 38, 18, 42, 35, 21, 44, 28, 19, 31, 26, 36 और 41। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा क्या है कि माध्यिका प्राप्तांक है, पूछा क्या है, तो फ्रेंड्स माध्यिका प्राप्तांक पूछा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे माध्यिका पूछा है। तो फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं ये हमारे व्यवस्थित नहीं है, सबसे पहले हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे आंकड़े दिए हैं इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा 18 यानी 18, फिर 19, फिर 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 38 और 41, और लास्ट में 42 और 44। तो फ्रेंड्स ये हमारे आंकड़े क्या हो गए, ये हमारे आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम पदों की संख्या को काउंट कर लेते हैं कि पदों की संख्या हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो फ्रेंड्स एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एन की वैल्यू हमारी आ गई 15। तो फ्रेंड्स एन इजक्वल टू हमारा क्या हो गया, एन इजक्वल टू हमारा आ गया 15। तो फ्रेंड्स हमारी पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या हमारी विषम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पदों की संख्या जब विषम होती है तो फ्रेंड्स हम माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो फ्रेंड्स हम फार्मूला यूज करते हैं माध्यिका बराबर एन प्लस 1 बाई 2। तो फ्रेंड्स हमारी पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या हमारी विषम है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी पदों की संख्या विषम होती है तो इस कंडीशन में हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं एन प्लस 1 बाई 2। तो फ्रेंड्स हमारी एन की वैल्यू क्या निकली है, एन की वैल्यू हमारी निकली है 15 यानी 15, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 15 हो गया, ठीक है, और फॉर्मूले में 1 दिया हुआ है, प्लस 1 कर दिया हमने और बाई 2 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16 बाई 2, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 और बाई 2। तो फ्रेंड्स जब 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन 2, 2 8 जा 16। तो फ्रेंड्स आठवां पद, जो हमारा आठवां पद होगा ये हमारी माध्यिका होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आठवां पद कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स आठवां पद हमारा क्या है, आठवां पद हमारा है 28 यानी 28, ये हमारा आठवां पद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आठवां पद हमारा क्या होगा, आठवां पद हमारा हो गया 28। तो फ्रेंड्स यही हमारी माध्यिका हो जाएगी, तो 28 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं कि 28 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स माध्यिका प्राप्तांक हमारा कितना हो गया, 28 हो गया। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको सबसे पहले जो यहाँ पे आंकड़े दिए हुए थे ये हमारे व्यवस्थित नहीं थे, इनको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, उसके बाद हमने पदों की संख्या, जो हमारे प्राप्तांक है इनको, पदों की संख्या को काउंट कर लिया, पदों की संख्या हमारी क्या आई थी, पदों की संख्या 15 आई थी जो कि विषम थी। तो फ्रेंड्स विषम थी तो उससे पहले हमने क्या किया, माध्यिका का फॉर्मूला लगा दिया। जब विषम होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, जब पदों की संख्या हमारी विषम होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, एन प्लस 1 बाई 2। फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप किया और आठवां पद हमारा आया था। तो फ्रेंड्स ऊपर हमने आठवां पद देख लिया कि आठवां पद हमारा कहाँ आ रहा है, तो आठवां पद हमारा क्या था, 28 था, और 28 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारी
माधिका होगी। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि देख सकते हैं ये आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा भी गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 20 मापों के माध की गणना 56 सेंटीमीटर की गई। 20 मापों के माध की गणना कितनी की गई? 56 सेंटीमीटर की गई। बाद में यह पाया गया कि 64 सेंटीमीटर का एक माप, 64 सेंटीमीटर का एक माप गलती से कितना कर दिया गया है? 61 सेंटीमीटर अभिलिखित किया गया है, तो सही माध्य था। तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही आपका सारा आंसर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखा हुआ कि 20 मापों के माध की गणना कितनी की गई? 56 सेंटीमीटर की गई। तो फ्रेंड्स 20 मापों का माध थे कितना हो जाएगा हमारा? 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये तो पहले ही दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 20 मापों का माध दिया हुआ था तो फ्रेंड्स 20 मापों का हम योग निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स 20 मापों का माध कितना था? 56 था। तो फ्रेंड्स 20 मापों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 20 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी होगी? 56 में। तो फ्रेंड्स 56 इंटू 20 कर देंगे, यानी 56 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 20 में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 1120 यानी 1120 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स 1120 आ जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा मिस्टेक कहाँ पे हुई थी? मिस्टेक हुई थी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाद में यहाँ पाया गया कि 64 सेंटीमीटर का, 64 सेंटीमीटर का एक माप गलती से कितना कर दिया गया है? 61 कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा 64 दिया हुआ है ये हो गया, और 61 हमारा 61 गलती से कर दिया गया है, क्योंकि 64 सेंटीमीटर का माप गलती से 61 कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होगा हमें, जो हमारा 64 दिया हुआ था ये हमारा सही था, 64 सही था, और 61 जो हमारा गलती से हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें से इसको लेस कर देंगे, 64 में से 61 को लेस कर देंगे, और फ्रेंड्स टोटल हमारा योग कितना निकला था? योग निकला था 1120, 20 मापों का योग। तो फ्रेंड्स सही योग क्या हो जाएगा? सही योग हो जाएगा 1120, इसको लिख लेंगे प्लस, और फ्रेंड्स जो हमारा सही था 64, और 64 में से लेस क्या करेंगे? 61 को लेस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इन सबको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा? 1123 यानी 1123 आ जाएगा। तो फ्रेंड इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है? सही माध्य हमसे पूछा हुआ है। तो फ्रेंड सही माध्य निकालने के लिए हमारा क्या आ गया था? 1123 तो हमारा आ ही गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कितना दिया हुआ कि 20 मापों की माध्य की गणना, टोटल कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी 20 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1123 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, और सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा? 56.15 सेंटीमीटर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 56.15 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ? ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा चैप्टर है इसमें से बहुत से क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं, और हर एक साल पूछे आते हैं। तो करीब इसमें एक से दो क्वेश्चन आपसे आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, यदि एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाए तो निकाली गई संख्या है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में ही आपका सारा सलूशन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया हुआ? 18 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य हमारा कितना है? 18 है, ठीक है फ्रेंड्स 18 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 5 संख्याओं का योग हमारा क्या हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 5 × 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पे योग दिया हो, तो फ्रेंड्स योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 5 की मल्टीप्लाई हम किस में कराएंगे? 18 में, क्योंकि फ्रेंड्स 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 18 है। तो फ्रेंड्स 5 की मल्टीप्लाई हम 18 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, यानी 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 5 संख्याओं का योग हमारा कितना हो गया? 90 हो गया, यानी 90 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या कह रहा है? एक संख्या निकल जाने पर, तो फ्रेंड्स एक संख्या निकल जाने पर 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि यदि एक संख्या निकलने पर समांतर माध्य कितना हो जाए? 16 हो जाए। तो समांतर माध्य 16 हो जा रहा है एक संख्या निकल जाने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक संख्या को निकाल देते हैं, तो फ्रेंड्स एक संख्या निकल जाने पर 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स संख्या तो हमारी 4 हो गई, तो फिर यहाँ पे 4 आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया कि समांतर माध्य हमारा क्या हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स 4 की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे? 16 में करवाएंगे, 4 × 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, यानी 64 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि निकाली गई संख्या है, तो फ्रेंड्स निकाली गई संख्या हमारी क्या हो जाएगी?
तो फ्रेंड्स निकाली गई संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, निकाली गई संख्या बराबर, तो फ्रेंड्स पांच संख्याओं का योग कितना आया था हमारा 90 आया था, और फ्रेंड्स एक संख्या निकल जाने के बाद चार संख्याओं का योग हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 64 आया था। तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं करना है, निकाली गई संख्या निकालने के लिए हम 90 में से 64 को लेस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम 90 में से 64 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 26 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने 90 में से 64 को लेस कर दिया, 90 में से जब हम 64 को लेस करेंगे कितना आएगा 26 ही तो आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं कि 26 कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं कि 26 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 26 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सारा का सारा सोल्यूशन आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो फ्रेंड्स आप इस चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी 26। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः कितने हैं, 38 है और 39 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुलक होगा, तो फ्रेंड्स बहुलक पूछा है, तो फ्रेंड्स इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, बहुलक बराबर हमारा होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो फ्रेंड्स आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुलक पूछा, तो बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 3 तो फॉर्मूले में दिया हो, तो 3 मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और माध्यिका कितनी दी हुई है, बंटन का माध्य और माध्यिका, तो फ्रेंड्स माध्यिका दी हुई है हमारी कितनी, 39 दी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका, तो फ्रेंड्स पहले हमारा ये माध्य 38 है और माध्यिका कितना है 39, तो फ्रेंड्स 39 हमने माध्यिका लिख दी, उसके बाद फार्मूले में माइनस दिया और माइनस लिख दिया, दो गुड़े माध्य कितना दिया हुआ है कि एक बंटन का माध्य दिया हुआ है 38, तो माध्य की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 38 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया वैल्यू को, तो फ्रेंड्स जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 39 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, यानी 117 आ गया, और माइनस 38 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 38 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 117 में से 76 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं कि 41 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 41 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपसे इस बार पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद कर लेंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फ्रेंड्स ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है सब क्वेश्चनों से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नांकित पाई चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के त्रिज्यखंड कोण प्रदर्शित है, यदि उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, 540 है, तो पाई चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा पाई चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए, यानी किस विषय में प्राप्त किए गए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखा दिया हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स पाई चित्र में पद का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये हमारा अंतरित कोण थीटा अपॉन 360 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अंतरित कोण थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई कुल मान, जो हमारा n की वैल्यू होती है वो हमारा कुल मान होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा x इज इक्वल टू क्या होता था, x इज इक्वल टू हमारा हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू n। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सर्कल दिया हुआ, इन सब हम कोड जो हमारी वैल्यू दी हुई है ये एंगल्स की 1960 72 60, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 360 ही तो आएगा फ्रेंड्स, टोटल हमारा 360 है। और फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू हमारे दी हुई है 90 डिग्री 68 डिग्री 72 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री, तो फ्रेंड्स ये हमारी थीटा की वैल्यू होती है, यानी अंतरित कोण की वैल्यू होती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूले में दिया हुआ है। और टोटल मान कुल मान हमारा एन होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कुल देख सकते हैं, जैसा कि कुल मान यहाँ हमें 540 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स
आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप पाई चित्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि निम्नांकित पाई चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के त्रिज्यखंड गुण प्रदर्शित है। यदि उसके द्वारा कुल प्राप्त अंक 540 हो तो पाई चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक है। तो गणित विषय में पूछा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम गणित विषय का कोड चेक करते हैं कितना दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैथमेटिक्स का कितना दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और टोटल जो हमारा सर्कल है इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, 360 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल वैल्यू हमारी क्या होती है, 360 होती है। और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 90 डिग्री दी हुई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम मान को रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक हमारा क्या हो जाएगा, गणित विषय में प्राप्त अंक। तो फ्रेंड्स गणित का एंगल हमें कितना दिया हुआ था, मैथमेटिक्स का एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो हमारा दिया ही हुआ ऊपर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 90 डिग्री हमने पुट कर दी, गुड़े 90 डिग्री हो गई। और अपॉन कितना है, अपॉन टोटल वैल्यू 360 होती है, जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ है, 360 हो गया। और n, तो फ्रेंड्स n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, n की वैल्यू हमें दी हुई है, टोटल कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 540 दी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स कुल अंक कितने हैं, 540 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, 90 अपॉन 360, और n की वैल्यू हमारी कितनी है, 540 है, 540 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, जीरो से जीरो कैंसिल हमारा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 9 1 9 हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा बचा कितना है, यहाँ पे बचा हमारा 540/4 यानी 514/4। तो फ्रेंड्स 540 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, नीचे 4 1 4, ऊपर 4 1 4, एक इधर जाएगा 4 3 12, और 2 उधर जाएगा 4 5 20 आ जाएगा, यानी 135 अंक। तो फ्रेंड्स विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं 135 अंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं 135 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक कितने हो गए, 135 हो गए, यानी 135 हो गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने कोड यहाँ पे दिए हुए हैं सबकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी वैल्यू पहले से ही निकाल ली है। तो फ्रेंड्स जो हमारा 72 डिग्री वाला है ये विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 108 अंक का मान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 72 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सामाजिक विषय का चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 72 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 72 अपॉन 360 फॉर्मूले में होता इनटू टोटल अंक कितने मिले हैं, टोटल 540 दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड, 540 दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 108 अंक, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 18 से इसको हम डिवाइड कर दें तो 18 से कितना होगा, ये 4 बार जाएगा 18 से, क्योंकि 18 4 72 होता है और 18 2 36, ये 20 हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा कितना बचा, 4 × 5 = 14 अपॉन कितना हो गया, 20 बचा। तो फ्रेंड जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचा कितना, 54 × 2। तो फ्रेंड्स 54 × 2 कितना होता है, 4 2 8 हो गया और 5 2 10 हो गया, तो कितना आ गया, 108 आ गया ना फ्रेंड्स। तो 108 अंक जो है उसको किस विषय में मिले हैं, 108 अंक मिले हैं हमारे सामाजिक विषय में, यानी सामाजिक विज्ञान में मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए हैं सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सामाजिक विज्ञान को ही सबसे पहले फाइंड आउट किया था, तो इसी में हमारा 108 अंक आ गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स आपको सब वैल्यू निकाल के चेक करनी पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले सामाजिक विज्ञान को ही सॉल्व किया, 72 ही वैल्यू में पुट कर दिया, अपॉन 360 कर दिया और इनटू टोटल 540 अंक थे, और इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया, सॉल्व करने पर हमारा आ गया 108। तो यही हमारे अंक हो गए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान। सो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, पाई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कि पाई चित्र में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको 4 नंबर फिक्स भी हो जाएंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला
पाई चित्र में अगर पद का आपको मान निकालना है तो अंतरित कोण थीटा अपॉन 360 इंटू कुल मान होता है, यानी एक्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एन होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स जो हमारा सर्कल दिया इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी, 360 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था हमारा, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज ये हमारा चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पे कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर इस चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। सो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 32 क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी 32 क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। और फ्रेंड्स इस चैप्टर की मैंने टोटल 4 वीडियो बनाई है, आज इस वीडियो में इस चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।